हेलो गाइस, वेलकम टू श्योर 100 आपके अपने चैनल पे। गाइस, आप सभी ने टेस्ट तो बहुत दिए होंगे, स्कूल में दिए होंगे, कॉलेजेस में दिए होंगे। आज हम भी आपका एक टेस्ट लेते हैं। आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी 10 सेकंड के लिए और आपने बताना है कि उस पिक्चर में आपने क्या देखा, और जो आप देखेंगे वो डिसाइड करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो गाइस, आओ करते हैं शुरू और देखें पहली पिक्चर। गाइस, अगर आपने इस पिक्चर में सबसे पहले क्रोकोडाइल देखा है तो आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकर हो। आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली टफ सिचुएशंस के बारे में बहुत सोचते हो, और आप अपनी लाइफ में बहुत ही सोच सोच के और संजीदगी से चलते हो। और इस पिक्चर में एक बोट भी है, और इस बोट को देख पाना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आपने इस बोट को देख लिया है तो आपका एनालिसिस बहुत ही डीप है। आप छोटी से छोटी चीज़ को बहुत आसानी से देख लेते हो। ये आपके बहुत ही क्रिएटिव होने का दावा करता है, और आप किसी भी मुश्किल में बड़ी आसानी से उसका सलूशन निकाल लेते हो। गाइस, अगर इस पिक्चर में आपने किसी औरत को देखा है, किसी लड़की को देखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप मानसिक तौर पर परेशान चल रहे हो। आपको अपने किसी किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, और आपका मुश्किल टाइम चल रहा है। इसका एक ये मतलब ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है। इस पिक्चर में एक स्कल भी है, एक खोपड़ी, और अगर आपने उस खोपड़ी को देखा है तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस फील कर रहे हो, और ये चैलेंजेस आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कुछ सीख रहे हैं। दोस्तों, इस पिक्चर में दो फेसेस हैं, एक लड़के का और एक लड़की का। और अगर आप एक लड़का हो और आपने एक लड़की का फेस देखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक पार्टनर की तलाश में हो। और अगर आपने किसी लड़के का फेस देखा है, तो इसका मतलब है कि आप किसी लड़के की वजह से या तो बहुत परेशान हो, और या तो बहुत ही खुश हो, और उसकी वजह एक लड़का है। अगर आप एक लड़की हो और आपने एक लड़की का फेस देखा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, और आपके फ्यूचर में कोई बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी इवेंट आने वाली है। और अगर आपने किसी लड़के का फेस देखा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी लड़की की वजह से बहुत परेशान हो, या फिर किसी लड़के की तरफ अट्रैक्टेड हो। इस पिक्चर में भी दो इमेजेस हैं। अगर आपको कार दिखाई दे रही है तो आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, और हर काम अपनी मर्जी से करते हो, और आप कभी कभी जजमेंटल भी हो जाते हो। और अगर आपको इस पिक्चर में एक आदमी दूरबीन के साथ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बड़ी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हो, जैसे कि ये पिक्चर इस पिक्चर में बड़ी थी, और आप छोटी छोटी डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, थोड़े से आप केयरलेस हो। फ्रेंड्स, ये टेस्ट की लास्ट इमेज थी। इस इमेज में भी दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, एक पिलर और एक आदमी। अगर आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच और आपके माइंड थॉट्स आपको गोल्स अचीव करने से रोक रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, और आपको सपनों की दुनिया में खोए रहना ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको पिलर के बीच में एक आदमी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप किसी के बंधे हुए नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, और आप लोगों की बातें बहुत ही आसानी से मान लेते हो। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।